अब जो चीजें हैं कि क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने सारी सीटों पर घालमेल करने का प्रयास किया है, उसमें उनको सफलता मिल गई है या नहीं मिली है, इस बात की पुष्टि वही करेंगे। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी करे कि शिक्षा विभाग रिक्ति नहीं भेज रही है और शिक्षा विभाग करे कि रिक्ति हम भेज दिए हैं, तो 4700 पर रिजल्ट किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। पेपर के माध्यम से पता चला है कि 4700 ही मात्र, अगर 4700 अगर सच है तो इस बात को शिक्षक अभ्यर्थी स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से सारी चीज़ों पर हम आश्वस्त करा दें कि सारी चीज़ों पर हम लोग उनको विरोध करेंगे, अपनी मांगों को लेकर निश्चित रूप से सरकार के समक्ष में। फर्स्ट फेज की बहाली खत्म होने के बाद अब अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सचिवालय पहुंच गए हैं। छात्र नेता सौरभ जो है वो भी अभ्यर्थियों के साथ है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता सौरभ अंदर में अधिकारियों से मुलाकात करने गए थे, ऐसे में मुलाकात हुई कि नहीं सीधा सीधा जुड़ेंगे जानेंगे। अंदर गए थे सौरभ, क्या कुछ बातें हुई, मुलाकात हुआ कि नहीं? के पाठक भी आए हुए थे, कहा जा रहा था कि के पाठक से मुलाकात। निश्चित रूप से डेलीगेशन ग्रुप में मुलाकात कराने की बात की गई, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई है। तो अब जो चीज़ें हैं कि क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने सारी सीटों पर घालमेल करने का प्रयास किया है, उसमें उनको सफलता मिल गई है या नहीं मिली है, इस बात की पुष्टि वही करेंगे। ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग को रिक्ति भेज दी गई है, तो निश्चित रूप से हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी करे कि शिक्षा विभाग रिक्ति नहीं भेज रही है और शिक्षा विभाग करे कि रिक्ति हम भेज दिए हैं, तो 4700 पर रिजल्ट किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, आज सैकड़ों अभ्यर्थी आए हैं और जब हम 5 मिनट मुलाकात करने गए तो मुलाकात नहीं करवाया गया, कहा गया कि वो मीटिंग में है, जबकि ये भी कहा गया कि रिक्ति भेज दी गई है। तो सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई है कि स्पष्ट हुआ है कितना रिक्ति भेजा गया है। 4700 नहीं, ये रिक्ति नहीं स्पष्ट हुई है, लेकिन इतना जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि 4700 ही मात्र, अगर 4700 अगर सच है तो इस बात को शिक्षक अभ्यर्थी स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से सारी चीज़ों पर हम आश्वस्त करा दें कि सारी चीज़ों पर हम लोग उनको विरोध करेंगे, अपनी मांगों को लेकर निश्चित रूप से सरकार के समक्ष में। अधिकारी बात करने से भी नहीं बोले, तब वहाँ 5 मिनट वहाँ भी मिलना है, तो मिलवा ठीक, तो मिलवाने मिलवा भी तो नहीं पाए आप। नहीं नहीं, क्या नाम है? जी नित्यानंद सिंह। नित्यानंद, आप लोगों की मांग ठीक है, मिलने नहीं जा रहा तो हम लोग जा रहे हैं, मिला भी नहीं जा रहा है। अंदर मिलने हम लोग एप्लीकेशन लेकर के गए थे कि कम से कम एप्लीकेशन भी दे दिया जाए, लेकिन वहां हम लोग का एप्लीकेशन मिलना भी नहीं दिया जा रहा है। लास्ट में हम लोगों ने जो है रिसीविंग करा के ऑफिस में दे दिया, हम लोग से मिलाया भी नहीं जा रहा है, क्या किया जाए? हम लोग का बात नहीं, मिलने नहीं दिया जा रहा है, बात क्या सुना जाए? कहा जा रहा है कि अगर नहीं जाएगा तो हम थाना को बुलवा के आपको भगवा देंगे। देख लीजिए, यहाँ प्रशासन द्वारा हम लोग को भगाया जा रहा है, हम लोग को यहाँ पे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है कि भगा देंगे, अगर नहीं जाइएगा तो थाना को बुलवाते हैं, आपको भिजवा देंगे, इसलिए मजबूरी में हम लोग छोड़ के चले आए, मिले भी नहीं जा रहे, ये बात है। देखिए, ये तमाम अभ्यर्थी हैं, सचिवालय पहुंचे थे, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो आंकड़ा दिया गया है वो काफी कम है, ऐसे में काफी आंकड़ा बाकी है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा, कहा यह जा रहा है कि प्रतिबंधित एरिया है और यहाँ पर आप लोग न बात कर सकते हैं, न बयान दे सकते हैं और ना कहीं कुछ बोल सकते हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचे हुए हैं, अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ी सरबड़ी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर विभाग को स्पष्ट करना चाहिए और स्पष्टीकरण को लेकर के पाठक से मुलाकात करने गए थे अभ्यर्थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया और ऐसे में अभ्यर्थियों को यह साफ कहा गया कि जिस तरीके से सर जो हैं वो मीटिंग में बिजी हैं, ऐसे में आपसे मिलेंगे नहीं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितने सीटों पर रिजल्ट आता है। ऐसे में जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात कर ले या फिर न्यूज़पेपर की बात कर ले, उसमें 4700 आंकड़े लमसम बताए जा रहे हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 28 से 30 हज़ार लगभग सीट जो है वो खाली है, ऐसे में उन तमाम सीटों को भरा जाए। 4700 सीट देकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भ्रमित नहीं किया जाए। अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।